Morning student, today is our US period and we are going to start chapter 21 cleanliness. So student, open your US book page number 91. So student, page number 91 पे हमारा chapter 21 है cleanliness है ना. हाँ, so look here student, I always keep my room neat and tidy है ना. हमें मुझे हमेशा मेरा room साफ सुथरा रखने की आदत है ना. मैं मेरा रूम हमेशा साफ सुथरा रखता हूँ. ओके, हाउ डू यू कीप योर रूम. हाँ, आप आपका रूम किस तरह से रखते हो. टू आंसर, टेक द पिक्चर है ना. तो बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यहाँ पे दो पिक्चर दिए, उसमें आपको टिक लगाना है. ये नीट एंड क्लीन है क्या. नहीं. सो यहाँ पे देखिए ये बच्चा, तो हम इस पिक्चर में टिक लगाएंगे. ओके बच्चों, सो लुक हेयर, वी शुड कीप आर हाउस क्लीन. बच्चों, हमें हमारा घर क्लीन रखना चाहिए. वी शुड क्लीन ईट एवरी डे. हमें घर को डेली क्लीन रखना चाहिए. ओके, वी शुड ऑलवेज ट्राई टू कीप ईट क्लीन एंड टाइडी. और हमें हमेशा यह प्रयत्न करना चाहिए कि वो साफ सुथरा कैसे रहे. ओके, सो लुक हियर, देयर आर जर्म्स इन द डर्ट है ना. बच्चों, गंदगी में जर्म्स होते हैं, विच कैन मेक अस सिक, और वो हमें बीमार करते हैं. अ डर्टी हाउस इज अ प्लेस फॉर डिसीजेज. और एक गंदा हाउस बीमारियों की जगह होती है. ओके बच्चों, अ क्लीन हाउस इज ऑलवेज फ्री फ्रॉम फ्लाइज, कॉकरोचेस, रैट्स, मॉस्क्यूटोज. ओके बच्चों, क्लीन हाउस है ना, क्लीन हाउस में फ्लाइज नहीं होती है, कॉकरोचेस नहीं होते हैं, चूहे मॉस्क्यूटोज नहीं होते हैं, है ना बच्चों. हाँ, सो टर्न ओवर द पेज स्टूडेंट. सो स्टूडेंट, लुक एट पेज नंबर 92. हाँ, डू यू नो वॉट वी शुड डू टू कीप आवर हाउस क्लीन. क्या आपको पता है हम हमारा घर स्वच्छ रखने के लिए क्या कर सकते हैं. सी हाउ आई कीप माई हाउस क्लीन. हाँ, तो देखिए मैं मेरा घर किस तरह से क्लीन रखता हूँ. आई रिमूव डर्ट फ्रॉम द फर्नीचर. मैं फर्नीचर की डर्ट हटाता हूँ. ओके, आई यूज अ डस्टर फॉर दिस पर्पज. और इसके लिए मैं डस्टर का इस्तेमाल करता हूँ. आई रिमूव ऑल द कॉबवेब फ्रॉम द हाउस. मैं घर के सारे जालों को हटाता हूँ. आई यूज अ ब्रूम विथ अ लॉन्ग हैंडल फॉर दिस. और इसके लिए मैं लॉन्ग हैंडल का जो ब्रूम झाड़ू होता है ना, उसका इस्तेमाल करता हूँ. आई कीप माई रूम नीट एंड टाइडी. मैं मेरे घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखता हूँ. ओके, सो लिख हियर स्टूडेंट, वी शुड कीप आर हाउस क्लीन एंड टाइडी. हमें हमारे घर को साफ सुथरा रखना चाहिए. अ क्लीन एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड हाउस इज लाइक बाय ऑल. और अच्छा साफ सुथरा घर सभी को बहुत पसंद आता है. ओके बच्चों, सो बच्चों, यहाँ पे हमने हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट कर दिया है. ओके, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट.